एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के बच्चों के लिए बायो का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड लेसन डिस्कस करने से पहले मैं दो बातें आप सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग इसमें स्टडी को शुरू करते हैं, तो स्टडी शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सोचनी है। जैसे हम कई बच्चे सोचते हैं 11th बायो पढ़ेंगे, बायो का मेडिकल का क्या स्कोप है क्या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर जो चीज़ें मेहनत से पढ़ोगे, लगन से पढ़ोगे, तो हर एक चीज़ का स्कोप है। और इसमें परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए कि आपको अच्छे से आता हो, हर एक चीज़ आपको बड़ी ध्यान से पढ़नी है। सो चलो आइए लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? लिविंग जो चीज़ें हैं वो है क्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सजीव। तो लिविंग, जैसा कि हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग क्या है, कि जो सांस लेता है वो लिविंग है, जो ग्रोथ करता है वो लिविंग है, जो चलता फिरता है वो लिविंग है, सजीव है ये चीज़ें। लेकिन आज हम जो है 11th क्लास है, इसमें इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन नंबर वन क्या कहता है, देखिए जो रेड कलर में डेफिनेशंस लिखी हुई है आगे करेक्टरिस्टिक्स में क्या कह रहे हैं हम कि लिविंग बींग हैव सम करेक्टरिस्टिक्स दैट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग। इस लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या कहते हैं कि मे और मे नॉट बी, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग की चीज़ें भी क्या हो सकती है, कुछ कॉमन हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो लिविंग के अंदर भी होती हों, और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती और वही सेम चीज़ें किसके अंदर हो सकती है, नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकती है। लेट्स नो, आइए हम लोग देखते हैं कि फिर हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब ये सारी चीज़ें इन सब में क्या होती हो, कॉमन होती हो। ये कैसे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग जो है उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी विशेषताएं हैं जो इनको क्या कर सकती है, अलग अलग कर सकती है। ये देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग, कि लिविंग बींग की जो करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकुलरली वो कौन कौन सी है। पहली है ग्रोथ, कि जो लिविंग बींग्स हैं वो सारे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। एक और करेक्टरिस्टिक्स है क्या है, रिप्रोडक्शन, कि जो लिविंग बींग है वो हमेशा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लिविंग बींग के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग ग्रोथ के बारे में जानते होंगे कि शरीर की हाइट बढ़ाना, और रिप्रोडक्शन क्या होता है, नए जीव पैदा करना, लेकिन मेटाबॉलिज्म एक शब्द आपके लिए 11th क्लास के अंदर नया हो सकता है, लेकिन इसको हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथा पॉइंट है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होती है, सेल्स होती है। ये आप छोटी 9th क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होती है, सेल्स होती है, कोशिकाएँ होती हैं। और जिसके अंदर कोशिका नहीं होती उसको हम लोग लिविंग नहीं कहते, ठीक है। एक वायरस ऐसा जीव है जिसमें क्या होती है, कोशिका नहीं होती, और वो भी हम उसको भी जीव नहीं कहते, एक पार्टिकल मानते हैं, वो भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अगला पॉइंट है कंसीशियसनेस, जिसको हम बोलते हैं चेतन की अवस्था, यानी कि वो अपने इन्वायरमेंट में गर्मी सर्दी है, दूसरे चेंजेस हैं, लाइट हैं, उन सबको पहचान सकता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसीशियसनेस। लेकिन थोड़ा सा इस पे भी इश्यू है जो हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट जो है हमारी जेनेटिक मटेरियल, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे DNA और RNA, जो एक जनरेशन के जो गुण हैं वो दूसरी जनरेशन तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। अगला जो पार्ट थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नहीं एक एक चीज़ को, तो पार्ट वन हमारा है ग्रोथ, कि ऑल द लिविंग बींग्स आर एबल टू ग्रो, कि हर कुछ हम देखते हैं जो है हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रोथ करते हैं। बट यहाँ एक दूसरी लाइन पढ़िए जो आपको हैरान कर सकती है, कीप इन माइंड दैट सर्टेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो,
कुछ जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, निर्जीव जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और पार्टिकुलर उनके अंदर जैसे नाम दिया होना चाहिए, माउंटेन्स पहाड़ होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। बर्फीले पहाड़ हैं, उनके ऊपर बर्फ़ जमती जाती है, उनकी हाइट भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार सैंड ड्यून मरुस्थल में जो माटी के टीले होते हैं, उनके अंदर भी मिट्टी जम जाती है, जमते जमते वो क्या होता है, ऊंचे हो जाते हैं, तो वो भी ग्रोथ करते हैं, पर उनको हम लोग लिविंग नहीं कह सकते। तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि इन दोनों जो लिविंग्स हैं, इनके अंदर डिफरेंस कहाँ है, इस ग्रोथ के अंदर अंतर कहाँ है कि लिविंग और नॉन लिविंग। तो देखिए तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट लिविंग बींग्स आर ग्रो बाय सिंथेसाइजिंग द न्यू सब्सटेंस यूजिंग द अदर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग। कि जो लिविंग है वो अपने आसपास से दूसरी चीज़ें इकट्ठी करके, कच्चे पदार्थ इकट्ठे करके, उन्हीं से अपना नया जो शरीर के भाग है वो सिंथेसाइज करेंगे, नए मोलिक्यूल सिंथेसाइज करेंगे और फिर ग्रोथ करेंगे। जैसे आप एक पौधे को देखते हो, वो प्रकाश संश्लेषण करता है, इसी भी पिक्चर में आपको दिखाया गया है। पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, हरा है तो वो सराउंडिंग से क्या लेगा, अपने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, मिट्टी से क्या करेगा, पोषक तत्व लेगा, और फिर उनसे अपना भोजन बना के फिर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। यानी इसने क्या लिया है, सराउंडिंग से सब्सटेंस लिए हैं और फिर नया सब्सटेंस बना के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये चीज़ें, क्लोरोफिल वगैरह, ये बना के इसने ग्रोथ की है। लेकिन जो माटी के टीलों की ग्रोथ है, वो नया कुछ नहीं बनाते, वो माटी जो उनके आसपास है वही उन पर जमती जाएगी और वो ग्रोथ होते जाएंगे। तो इस प्रकार इन दोनों की जो ग्रोथ है, दोनों की जो वृद्धि है, वो क्या है, अलग अलग है। कि जो सजीव हैं वो अपने अंदर, जैसे आप लोग बड़े हो रहे हो तो आप अपने अंदर क्या है, आपकी जो हड्डियां हैं वो लंबी हो रही हैं, ठीक है, स्किन है वो बड़ी अधिक हो रही है, सिंथेसाइज हो रही है, नहीं बन रही है, तो उससे हम लोग क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। लेकिन वो बड़े किस चीज़ से हो रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको यूज़ करके बड़े हो रहे हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन लिविंग जीवों में ऐसा, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में, पदार्थों में, माउंटेन्स में, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, रिप्रोडक्शन। तो हर एक जीव जो है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे नए जो बच्चे हैं उनको पैदा करता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स किसकी हो सकती है, लिविंग की हो सकती है, नॉन लिविंग जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगला एक पॉइंट आता, देखिए सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो सभी लिविंग है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल एंड हिन्नी, ये क्या है, दो जीवों से मिलकर हाइब्रिड बना हुआ एक जीव है और इसके जो क्या होता है, अनफर्टाइल होता है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन भी हर बार हम लोग नहीं कह सकते कि जो रिप्रोडक्शन करेगा वो क्या है, लिविंग है, और जो नहीं करेगा वो नॉन लिविंग है। यहाँ भी एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि रिप्रोडक्शन न करने वाला भी क्या हो सकता है, लिविंग हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आप भी ऐसे पता कीजिए कि म्यूल और हिन्नी के अलावा भी ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो क्या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हमने कहा था कि मेटाबॉलिज्म क्या है, आपके लिए एक नई चीज़ हो सकती है जो पहले कभी आपने डिस्कस शायद ना की हो, ना सुनी हो। और मेटाबॉलिज्म क्या है, केवल लिविंग बींग में है। यह पहली लाइन देखिए, पीछे हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, लिविंग बींग की करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, लेकिन बिना रिप्रोडक्शन वाले भी क्या हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं। इससे पहले हमने कहा था ग्रोथ लिविंग बींग की ये करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ग्रोथ क्या है, नॉन लिविंग में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी स्टिक हमें इस जानकारी को ध्यान में रखना है कि नॉन लिविंग के अंदर, किसी दूसरे जीवों के अंदर क्या नहीं हो सकता, मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। मेटाबॉलिज्म सिर्फ किसके अंदर होगा, लिविंग के अंदर होगा, नॉन लिविंग के लिए नहीं होगा। तो ये अब क्वेश्चन उठता है कि मेटाबॉलिज्म है क्या वास्तव में, हमें कैसे इसको स्टडी करना चाहिए, होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो पहले ये देखिए, मेटाबॉलिज्म को हम दो भागों में पढ़ेंगे, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म।
तो पहला देखिए क्या कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ें हैं उनका जो ब्रेक डाउन करना, चाहे वो लार्ज मॉलिक्यूल है चाहे थोड़ा स्मॉल है, लेकिन हम और उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो क्या है, कैटाबॉलिज्म है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा लोग बहुत वर्कआउट करते हैं जैसे वेट लॉस करने के लिए, वज़न घटाने के लिए, कि हमने इतना जिम ज्वाइन कर लिया तो हमारा इतना वज़न कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो उन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज की और उनकी बॉडी के अंदर जो फैट्स थी, जो वसा थी, उसको उसने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, ब्रेक डाउन किया, और उनका वज़न जो धीरे धीरे घटने लगेगा, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो फैट था, जो उनका वेट बढ़ा रहा था, वो क्या होने लग रहा है, ऑक्सीडाइज होने लग रहा है, रेस्पिरेशन के अंदर ख़त्म होने लग रहा है। तो इस ये भी क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी के कुछ मॉलिक्यूल्स को लॉस्ट कर रहे हैं, और वो क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जैसे CO2 में, वाटर में टूट के हमें एनर्जी दी और हमारी बॉडी से निकल गए। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कैटाबॉलिज्म, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका टूटना। अगला पॉइंट आता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, सिंथेसिस। अब एक बात आती है कि कोई जो बहुत ही कमज़ोर है और वो अपना वेट बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग तरीके की चीज़ें खाता है, कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन खाएगा, कोई एक्स्ट्रा फूड खाएगा, और अपने अंदर क्या करेगा, और चीज़ें सिंथेसाइज करवाने की कोशिश करेगा ताकि उसका वेट बढ़ सके, नए मॉलिक्यूल उनके अंदर बन सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ किसका है, एनाबॉलिज्म को संकेत करता है कि यहाँ पे वो कुछ चीज़ें क्या अपनी बॉडी के अंदर बना रहा है। तो इनको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। और इन दोनों चीज़ों को, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को, हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया होगा। अब आगे अगली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि शुरू में जब हमने सारी करेक्टरिस्टिक्स एक साथ देखी थी एक स्लाइड पे, तो वहाँ भी डिस्कस किया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, सेल होती है, वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग होता है। जैसे भी आप बैकग्राउंड के अंदर एक सेल की फ़ोटो देख सकते हो कि जिसमें सेल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका, कि जिसके अंदर कोशिका है उसी के अंदर क्या होता है, उसी को हम लोग क्या मानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं, बायोलॉजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। यहाँ एक लास्ट लाइन जो है, तीसरी लाइन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वायरसेस डू नॉट हैव द सेल्स एंड दे आल्सो लैक द मेटाबॉलिज्म। वायरस के अंदर क्या नहीं होता, न तो सेल होती और न ही मेटाबॉलिज्म होता, इसीलिए उन्हें रखा गया है किसके अंदर, देखो, कैप्ट इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि न तो उनको हम लोग क्या मानते हैं, 100% लिविंग मानते, और न ही उनको 100% नॉन लिविंग मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो क्राइटेरियाज हैं वो पूरे नहीं करते, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पूरी नहीं करते, लेकिन उनको नॉन लिविंग इसलिए नहीं कहा जा सकता बिकॉज उसमें क्या है, DNA है, वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जा कर के वो ग्रो कर सकते हैं, तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होती है, तो इसलिए उसको क्या रख रखा है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रख रखा है। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देखिए इज एन एबिलिटी ऑफ लिविंग बींग्स टू रिस्पॉन्ड और सेंस द इन्वायरमेंट। ये भी क्या होती है कि कोई भी जो जीव है वो इन्वायरमेंट के प्रति अगर सेंस कर सकता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसको गर्मी, सर्दी, धूप, छांव है, किसी ने आवाज़ लगाई तो उसको पता लग गया, तो ये होती है कॉन्शियसनेस, जिसको हिंदी बोलते हैं चेतना की अवस्था। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है लेकिन नॉन लिविंग के लिए नहीं होती। यहाँ इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा इश्यू है कि कई बार कुछ इंसान क्या होते हैं, कोमा में चले जाते हैं और वो वापस जिंदा हो जाते हैं उसके बाद, या यूँ कह लो वापस वो कोमा से बाहर आ जाते हैं। तो कोमा में गया हुआ इंसान में कॉन्शियसनेस नहीं होती। थोड़ी सी ये चीज़ें फिर भी यहाँ एक कंट्रोवर्शियल है कॉन्शियसनेस भी, फिर भी अधिकतर जीवों के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि कॉन्शियसनेस होती है, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, और चाहे कोई बहुत बड़ा जैसे एलिफेंट है, व्हेल भी क्यों ना हो, हर के अंदर, हर एक जीव के अंदर अपनी थोड़ी बहुत
कॉन्शियसनेस जो है वो जरूर होती है। अगला जो है हमारा पॉइंट वो हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। हमने 10वीं क्लास में डीएनए के बारे में पढ़ा है पार्टिकुलरली ज़्यादा, तो कि डीएनए क्या होता है, एक डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन सूचनाएं संग्रहित होती है, स्टोर होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी करेक्टरिस्टिक अपने पेरेंट्स में मिलती है, पेरेंट्स की हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में मिलती थी, तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती है, डीएनए की वजह से होती है। इंसान अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, दूसरे एनिमल हैं वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डीएनए के माध्यम से ही आगे चलती है। लेकिन यहाँ भी एक थोड़ा सा वही है, कंट्रोवर्शियल थोड़ी सी पॉइंट्स है कि वायरसेस के अंदर भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, दे हैव आइदर डीएनए और आरएनए। बाकी जो जीव हैं उन सब में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं। लेकिन वायरस के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक, या तो क्या होगा डीएनए होगा और या क्या होगा आरएनए, कभी भी दोनों नहीं हो सकते, दोनों में से एक मटेरियल मिलेगा, कभी भी क्या नहीं हो सकते, दोनों मटेरियल जो है वो नहीं हो सकते, ठीक है। कि या तो क्या होगा डीएनए होगा या क्या होगा आरएनए होगा, दोनों मटेरियल उसके अंदर कभी भी नहीं मिलेंगे। जो नेक्स्ट है अब आगे डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट हमारा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो लिविंग और नॉन लिविंग को आपस में क्लासिफाई कर रही थी, कैसे हम मानते हैं कि कोई क्या होता है लिविंग होता है, कैसे मानेंगे कि कोई क्या होता है नॉन लिविंग होता है। और यहाँ एक अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है आपके लेसन 1 एनसीईआरटी बुक के अनुसार, इन सब करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग बींग। और उस अब डाइवर्सिटी का मीनिंग देखिए क्या है, कि डाइवर्सिटी का जिसको हम एक सिंपल शब्दों में कहें, हिंदी में कहें तो भिन्नता, कि कितने अलग अलग प्रकार के जीव इस दुनिया में पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। अब पहला जो हमारा पॉइंट है देखिए क्या होता है, डाइवर्सिटी मीन्स द नंबर ऑफ टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पढ़ा था, इस लाइन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या कहता है कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ, न कि नंबर ऑफ, अगर मैं बात करता भी नंबर ऑफ लिविंग बींग्स तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम लोग कहें कि भारत के अंदर भी 150 करोड़, तो नहीं कह रहे, 125-30 करोड़ लोग भी हैं, यानी कि ह्यूमन भी है। लेकिन जब डाइवर्सिटी की बात आ जाती है तो हम लोग ह्यूमन को सिर्फ एक काउंट करेंगे, भी वो एक स्पीसीज है, एक प्रकार का जीव है। बिल्ली को एक काउंट करेंगे, चूहे को एक काउंट करेंगे, एक जीव की गिनती क्या करेंगे, एक में ही करेंगे, ये नहीं कि सब में कर लेंगे ना। तो इस प्रकार हम कहते हैं टाइप्स काउंट करते हैं कि कितने प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे एक आलू का पौधा है तो उसको एक ही पौधा, एक ही जीव काउंट करेंगे, न कि ये भी कितने आलू के पौधे धरती पर, हम वो सारे गिनेंगे, ऐसे चीज से हमें कोई मतलब नहीं। हम पार्टिकुलरली क्या है, कितने टाइप के हैं उनको काउंट करेंगे। तो ये दूसरी लाइन भी ध्यान से पढ़ना, इट डज नॉट मीन द नंबर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट काउंट ओनली द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यानी कि ये क्या करता है, सिर्फ काउंट करता है कितने टाइप्स के जीव हैं। और कितने टाइप्स के हैं, अगर आपको लर्न करना पड़े तो याद रखना, थर्ड लाइन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, देयर आर 1.7 to 1.8 million ऑफ द स्पीसीज। मिलियन होता है 10 लाख का, यानी दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि 17 से 18 लाख पौधे और जीव जंतु ऐसे हैं जिनको हम अभी तक पढ़ चुके हैं, क्लासिफाई कर चुके हैं, जो हमारी नॉलेज के अंदर है। बाकी अभी स्टिल उनको डिस्कवर करना बाकी है। और ये सारे जो आंकड़े हैं वो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, किसी दूसरी किताबों में हो सकता है ये चीज़ें डिफर करें। नेक्स्ट, कि इतने जो ज़्यादा जीव हैं, हमने कहा कि 1.7 to 1.8 million जो स्पीसीज हैं वो हमारे पास है, तो उनको काउंट करना कैसे संभव हुआ, और काउंट कर लिया तो फिर
काउंट भी उनकी काउंटिंग भी तभी पॉसिबल होगी जब उनका नाम लेंगे हम। जैसे हमने कहा कि हमने आलू का एक पौधा है तो उसको एक पौधा काउंट कर लिया, एक स्पीसीज काउंट कर लिया, लेकिन पहले हमने आलू को नाम देने की ज़रूरत है ना कि ये आलू है, तभी तो हम कह पाएंगे कि हमने इसको काउंट कर लिया। तो जो नाम देने की जो सबसे अच्छी जो कोशिश, यार जो आज तक हम यूँ मान लें कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इनको नाम देने की पौधे और जीव जंतुओं को जो पद्धति चल रही है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है, और उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और जिस कैरोलस लीनियस की फोटो आप पीछे देख सकते हो कि नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बिफोर द नोमेनक्लेचर, नाम देने से पहले उनको क्या करना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पे मतलब है, देखिए थर्ड लाइन बताएगी आपको कि आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाहर का स्ट्रक्चर क्या है, उस इवोल्यूशनरी लिंक किन किन ऑर्गेनिज्म से वो डेवलप हुआ है, हैबिट्स एंड हैबिटेट, क्या वो खाता है, कहाँ वो रहता है, ये चीज़ें क्या कहलाती है उसकी, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। हैबिटेट होती है रहने की जगह, जैसे हम कहते हैं कि फिशेज जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहती है, पानी में रहती है, हम लोग जो है ह्यूमन है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल है। तो ये सारी चीज़ें हमें इनमें डिस्कस करनी है। आइए नोमेनक्लेचर के साथ कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ देखिए इनिशियली द ऑर्गेनिज्म, अब नाम भी देखो, नाम देने की जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू हुई, उस चीज़ की भी हमें डिटेल से डिस्कशन जो है वो आवश्यक है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो किससे, उनके लोकल जो नेम थे, लोकल जो नाम थे, उनसे जाने जाते थे। जैसे हमने कहा कि आलू है हमारा, इसका हिंदी में स्थानीय नाम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोटैटो बोलते हैं। तो ये सबसे पहले इनको क्या हुआ, लोकल नेम देना हमने शुरू किया। लेकिन लोकल नेम के अंदर एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या थी, वो क्या थी, देखिए सेकंड पॉइंट में, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, यानी कि इंग्लिश में आलू को पोटैटो बोलते हैं, जापानीज में कुछ और बोलेंगे, चाइनीज़ कुछ और बोलेंगे, तो पूरा वर्ल्ड जो है उसको समझ नहीं पाएगा। और तो इसके लिए एक ये चीज़ ज़रूरी हुई कि हम उनको नाम दें तो केवल एक लैंग्वेज में दें, जो पूरे वर्ल्ड के लिए वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और ये समस्या दूर की गई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा। किसके द्वारा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और यही नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। अब ये बात है कि बाइनोमियल इसका नाम क्यों पड़ा, देखिए बाई का मतलब होता है दो, नोमियल मीन्स नेम, यानी कि इसके अंदर हमने एक ही जीव को दो नाम दिए। पहला जो नाम था उसका जेनरिक नेम, यानी कि उसका जीनस का नाम, और दूसरा क्या नाम था, उसका स्पीसीज का नाम। अब ये जीनस और स्पीसीज क्या है, इसी वीडियो में हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में, अगली दो तीन स्लाइडों में, कि जैसे भी हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं उनको नाम देने के लिए, पहले भी ये कौन से ग्रुप में आएगा, तो जो स्पीसीज है वो सबसे छोटा ग्रुप है, और जीनस उससे सबसे सेकंड जो लार्जेस्ट ग्रुप है, छोटे से फिर बड़ा। तो इन दोनों का नाम मिला करके हम एक जीव का क्या बनाते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग एक सिंगल इंडिविजुअल को टू नेम्स टू ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, दो जो नाम है वो देते हैं, कि एक उसका जीनस का नाम हो जाएगा, एक उसका क्या हो जाएगा, स्पीसीज का नाम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने उसको दो नाम दिए। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हम कुछ एक अगली स्लाइड्स में, जैसे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे किसी इंडिविजुअल को हम लोग नाम देते हैं। तो पहला देखिए यूनिवर्सल रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर, कि क्या क्या रूल है उसको नाम देने के लिए। तो पहला रूल है कि बायोलॉजिकल जो नेम है वो किसके अंदर दिए जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज के अंदर दिए जाते हैं। ध्यान रहे, चाहे आप कोई भी किसी भी देश से रहते हो, किसी भी भाषा में पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन ऑर्गेनिज़म्स के बायोलॉजिकल नेम आपको केवल और केवल किसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे, लैटिन लैंग्वेज के अंदर। नंबर टू, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि इसके दो नाम होते हैं, और पहला जो नाम होता है वो किसका होता है, जीनस का,
और दूसरा किसका नाम होता है, इसकी स्पीसीज का नाम होता है। क्या होता है दूसरा नाम? स्पीसीज का नाम। एंड बोथ द वर्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम आर अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन। जब आप इनको लिखते हो कॉपी के अंदर तो उसको आपको क्या करना है, बायोलॉजिकल नेम को अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर से उनको टाइप करते हैं देव आर इन इटैलिक्स। इटैलिक्स का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे देखिए ये नाम, आप इटैलिक्स को देखिए गौर से, ये बाकी सब नाम से आपको थोड़ा सा तिरछा छपा हुआ दिख रहा है। और अगर ये तिरछा दिख रहा हो तो इसी टाइपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इटैलिक्स बोलते हैं। आप जो बुक के अंदर डिफरेंट जो सब्सटेंसेज हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके नाम देखोगे तो साइंटिफिक नेम आप देखोगे इस प्रकार तिरछे लिखे बोलते हैं, और इसी तिरछे लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, इटैलिक बोलते हैं। द जेनरिक नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ये भी ध्यान रखना है। हमने कहा था कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होते हैं, दो नाम होते हैं। तो पहला नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। जैसे इस लाइन में देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मेंजीफेरा इंडिका। यहाँ देखिए मेंजीफेरा एम बड़ा है, पहला अक्षर मेंजीफेरा इसका जेनरिक नेम है, जीनस का नाम है। तो मेंजीफेरा का एम आप क्या लिखोगे, बड़ा लिखोगे, और इंडिका का आई क्या लिखोगे, छोटा लिखोगे। और ये भी देखिए ध्यान से इटैलिक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नेम ऑफ द ऑथर, जैसे हमने कहा कि ऑथर का जो नेम है, जो उसका लेखक है, जो उसने पहली बार उसको नाम दिया था, उसका भी हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, साथ में थोड़ा सा कि किसने ये नाम दिया था। तो उसका एब्रवेशन के तौर पर, से लीनियस है तो उसको LINN लिख दिया। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, कैरोलस सॉरी मेंजीफेरा इंडिका, आगे लिखेंगे LINN डॉट, यानी कि मेंजीफेरा इंडिका लिन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है, जो बायोलॉजिकल नेम है, वो मेंजीफेरा इंडिका है। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, लीनियस के द्वारा दिया गया, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। तो ये रूल्स आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, आपकी बुक के अंदर भी लगभग एज इट इज ऐसे कैसे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब उनको हमें स्टडी करना है। और जैसा कि हमने पीछे वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं अर्थ के ऊपर। तो इतनी ज़्यादा स्पीसीज को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम उनको क्लासिफाई ना करें तो। तो उस स्टडी को ईजी करने के लिए हमने क्या किया, उसको क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। तो क्लासीफाई यानी कि उनको अलग अलग हम क्लास और ग्रुप के अंदर बांटेंगे। जैसे एक क्लासिफिकेशन करने से स्टडी इजी कैसे हो जाती है किसी भी जीव की, या तो हम लोग इसको एक छोटे से एग्जांपल से पढ़ेंगे। सपोज आप लोग आपके स्कूल में हो, अगर हम क्लासीफाई ना करें तो हमारे पास एक, मान लीजिए कि रोहित कोई बच्चा है 11वीं क्लास का, तो अगर हम रोहित को पूरे स्कूल में ढूंढें कि रोहित इस स्कूल का बच्चा है, तो हमें रोहित को पता लगाने में थोड़ा सा मुश्किलात होगी, प्रॉब्लम होगी कि इतने आसानी से हम उसका पता नहीं कर सकते कि रोहित कहाँ है। लेकिन अगर हम कह दें कि रोहित 11वीं क्लास का बच्चा है, तो हमें उसे सिर्फ 11वीं में ढूंढना है और 11वीं के बारे में स्टडी करना है कि वो बच्चा कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए, क्लास में डिवाइड करने से बड़ा काम हमारा आसान हो गया। तो इसी प्रकार जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेस में, यानी कि इसको हम बोलते हैं टैग्जा, पार्टिकुलरली उन टैग्जा के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ताकि स्टडी करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। जैसे दो टैग्जा हमने पीछे नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक तो क्या था, जीनस था, और दूसरा क्या था, स्पीसीज थी। अब क्या होता है कि जीनस और स्पीसीज दो टैग्जा हैं, बाकी के टैग्जा हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। और इस प्रकार की जो क्लासिफिकेशन की जो साइंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ये भी कहीं क्वेश्चन आए ध्यान रखना, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन की जो साइंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो
चलिए आगे। अब हम बात कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन और टैक्सा की, तो यहाँ सारी चीज़ें हमने बड़े ही अच्छे तरीके से लिखी हुई है कि सबसे जो छोटी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, सबसे छोटी कैटेगरी है वो क्या होती है, स्पीसीज होती है। क्या होती है क्लासिफिकेशन की सबसे जो छोटी कैटेगरी है वो क्या है, स्पीसीज है, जैसा हमने पढ़ा था। उसके बाद स्पीसीज से बड़ी जो कैटेगरी है वो क्या है, जीनस है। साइड में इस डायग्राम को देखिए, जितनी बड़ी कैटेगरी उतना ही ये बड़ा होता जाएगा। तो स्पीसीज सबसे छोटा है तो ऊपर से सबसे छोटा पार्ट, फिर थोड़ा और चौड़ा हो गया यानी कि जीनस और बड़ा है, फिर फैमिली के लिए ये और बड़ा हो जाएगा, ऑर्डर के लिए और बड़ा, क्लास के लिए और बड़ा, फाइलम फाइलम के लिए और बड़ा, और लास्ट जो हमारी कैटेगरी आएगी वो क्या है, किंगडम, जो सबसे बड़ी होती है। क्या होती है, किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है। थोड़ा सा अगर आप क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ो तो ये हम देखेंगे कि एक डोमेन और है जो इनसे बड़ी कैटेगरी है। प्रेजेंटली हमने क्या है, जीवों को 5 किंगडम में बांट रखा है, लेकिन डोमेन क्या है, 3 ही है। तो हम लोग आगे जो अगला लेसन है हमारा, दूसरा पार्ट है, उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि किंगडम क्या है, डोमेन क्या है, और थोड़ा सा हम बारीकी से इन सभी कैटेगरीज को और सभी जीवों की क्लासिफिकेशन को, प्लांट एज वेल एज एनिमल को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या है, कि कौन कितनी बड़ी कैटेगरी है। सबसे छोटी कैटेगरी हमारी क्या रहेगी, स्पीसीज रहेगी, उससे बड़ी क्या है, जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से इनको स्टेप वाइज तरीके से क्या करना है, याद करना है कौन किससे बड़ा होगा। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे इनका हमने नाम सुना कि ये जीनस, स्पीसीज वगैरह, ये जो इतनी कैटेगरीज हैं, तो ये होती क्या है। तो अब यहाँ देखिए, एक छोटा सा जो आपको एक डायग्राम भी है पीछे दिया हुआ और एक स्पीसीज की डेफिनेशन भी है। सबसे पहले लिखा देखो पीछे बैकग्राउंड में लिखा हुआ व्हाट इज़ ए स्पीसीज, और आपको कुछ बटरफ्लाइज दिख रही है, यानी कि बटरफ्लाइज चाहे दुनिया में कितने हैं वो एक सिंगल स्पीसीज। इस एक तरह की जो बटरफ्लाइज हैं वो एक क्या है, सिंगल स्पीसीज होगी। बट उसको हमने डिफाइन कैसे किया कि वो एक ही स्पीसीज है, तो देखिए कि टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर शेड टू बी बिलोंग टू सेम स्पीसीज। दो जीव जो आपको अलग अलग दिखते हैं हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, सेम स्पीसीज के कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, इफ़ दे कैन इंटरब्रीड, अगर वो आपस में क्या कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड एबल टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और वो क्या कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने बच्चे जो हैं वो पैदा कर सकते हैं, और वो बच्चे भी क्या होने चाहिए, फर्टाइल यानी आगे बच्चे पैदा करने लायक होने चाहिए। आपको याद होगा हमने पीछे एग्जांपल लिया था म्यूल और हिनी का, कि ये दो ऐसे जीव हैं यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लेकिन लिविंग हैं। तो वो रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कब होगा, जब दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, सेम स्पीसीज के होंगे। लेकिन उसमें दोनों पेरेंट्स अलग अलग थे, तो म्यूल और हिनी क्या होता है, अनफर्टाइल होता है। क्या होते हैं, अनफर्टाइल, वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब जैसे ह्यूमन के अंदर हम एग्जांपल लें, आपको भारत के लोग अलग दिखते हैं, अमेरिका के अलग दिखते हैं, अफ्रीका के अलग दिखते हैं, लेकिन वो सारे क्या हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इट मींस उनकी जो स्पीसीज है वो क्या है, सेम है, सारे क्या हैं, एक ही स्पीसीज के जीव हैं। और इट इज़ द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो स्पीसीज हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस कर किया था ऑलरेडी, कि जो सबसे छोटी कैटेगरी है किसकी, क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट, जीनस। अब देखिए जीनस क्या होता है, अब थोड़ा सा बड़ी कैटेगरी में आगे हम लोग, कि जीनस इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जांपल, कि अगर दो लगभग एक जैसी सी स्पीसीज हैं और उनका ग्रुप है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे दो प्लांट्स का उदाहरण भी ले रहे हैं, एक सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो और दूसरा है सोलेनम ट्यूबरसम यानी कि पोटैटो, और दूसरा है सोलेनम लाइकोपार्सिकम टोमेटो यानी कि टमाटर, और आलू का हम दोनों एग्जांपल लेंगे। यहाँ देख रहे हो उनके दोनों के साइंटिफिक नेम है, उसका पहला नाम सेम है सोलेनम,
पोटैटो के साइंटिफिक नेम में पहला नाम क्या है? सोलेनम। टोमेटो के साइंटिफिक नेम के अंदर भी पहला नाम क्या है? सोलेनम। तो इसका मतलब है दोनों का जीनस क्या है? सोलेनम सेम है, लेकिन स्पीसीज जो क्या है वो अलग अलग है। आलू जो है, पोटैटो है, उसकी स्पीसीज है ट्यूबरोसम, और टोमेटो जो टमाटर है उसकी स्पीसीज है कौन सी? लाइकोपर्सिकम। तो ये दोनों क्या है? स्पीसीज इनकी अलग अलग है। नीचे देखो दोनों प्लांट्स के फ़ोटो भी दिए गए हैं। ये पोटैटो का प्लांट्स है, आलू का पौधा है जो थोड़ा सा अधिक गहरा दिख रहा है, जिसके पत्ते कुछ ज़्यादा हैं। तो ये क्या है? आलू का पौधा है, और साइड में थोड़ा सा जो उसके पत्ते कम है वो क्या है? टमाटर का पौधा है। दोनों दिखने में लगभग एक जैसे हैं। अगर आप खेत में खड़े पौधों को देखोगे तो डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी देखिए शक्ल इतनी सेम होने के बाद भी इनके फंक्शन अलग अलग हैं, फ्रूट अलग अलग हैं, सारे काम ये अलग अलग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ आर प्लांट्स आर डिफरेंट, बट स्लाइटली डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यानी कि इनका जीनस सेम है और स्पीसीज अलग अलग हैं, तो काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये कॉमनली शो करते हैं। जैसे कि हर्बेशियस प्लांट है, इनकी लकड़ी वगैरह नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट पौधा होता है। तो इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आगे हम डिस्कस करेंगे जब किंगडम प्लांट ही पढ़ेंगे तब। तो ये सारी इनकी क्या है? सिमिलर हैं। आगे भी हम ऐसे बहुत सारे अमेजिंग एग्जांपल देखेंगे कि कैसे एक ही जो है। अब देखिए आगे ये स्लाइड आपको शो कर रही है फैमिली। द फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, कि अगर जब जीनस है वो आपस में कुछ मिलते जुलते हैं, क्या है? जीनस आपस में कुछ मिलते जुलते हैं, उनका जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। अब यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लियोपार्ड एंड केट्स आर द बिलोंग्स टू द सेम फैमिली फेलिडी। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ आपको कैट दिया हुआ है, एक तरफ आपको टाइगर दिया हुआ है। कितनी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों के अंदर, लेकिन बॉडी साइज़ और बाकी कुछ चीज़ें इनकी क्या करती हैं? वेरी करती हैं। लेकिन ये दोनों फ़ोटो से हम लोग देख सकते हैं इनकी आँखें हैं, नाक की बनावट है, कानों की बनावट है, बाल हैं, काफ़ी हद तक क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। बिकॉज़ ये दोनों क्या है? सेम फैमिली के जीव हैं, और जीनस और स्पीसीज अलग अलग हैं, तो उतनी ही उसमें भिन्नताएँ बढ़ जाएगी। अब जब आगे और हम हायर कैटेगरी पढ़ेंगे तो भिन्नताएँ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब आगे आते हैं ऑर्डर के ऊपर। यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है? जब एक जैसे, देखिए अब सारी करेक्टरिस्टिक्स हम दोबारा रिवाइज़ करें तो सबसे छोटी चीज़ें क्या थी? स्पीसीज थी। अगर कई सारी सिमिलर स्पीसीज़ का ग्रुप हो तो उसे हम क्या कह देंगे? जीनस। अब कई सारे सिमिलर जीनस से इनकी जेनरा हो, जीनस का प्लूरल क्या है? जेनरा है। तो कई सारे क्या है? जेनरा है, तो उनके ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? फैमिली बोल दिया। अब कई सारी जो सिमिलर फैमिलीज़ के जीव इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। यहाँ देखिए जो शेर और बिल्ली में, इसमें सॉरी, जो टाइगर और कैट के अंदर जो डिफरेंस थे उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस है इन जीवों के अंदर, बिकॉज अभी थोड़े से हायर लेवल पे आ गए। और ये सारे के सारे जो जीव आप देख रहे हो वो ऑर्डर कार्निवोरा, एज द नेम इंडिकेट कार्निवोरा, दे आर कार्निवोर्स पार्टिकुलरली। तो कार्निवोरा के जो जीव हैं वो कुछ हद तक आपको देखो सिमिलर भी दिख रहे हैं। उनकी आँखें हैं, उनके जो कान हैं, मुंह है, जो पोस्चर है, ठीक है, फ्रंट में जो आईज होती है पार्टिकुलरली कार्निवोरस एनिमल की। लेकिन फिर भी ये जो जितना टाइगर और कैट सिमिलर थी उतने सिमिलर नहीं है। ऐसे ऐसे हम और हायर लेवल पे चलते जाएंगे तो इनकी जो डिसिमिलरिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। आइए देखते हैं क्लास, क्लास मैमेलिया। यहाँ हमने एक मैमेलिया क्लास का एग्जांपल लिया है इस चीज़ को समझने के लिए कि क्लासेस के अंदर भी जो जीव हैं वो कैसे कॉमन हो सकते हैं। इसमें क्लास क्या है? एक सिमिलर जो ऑर्डर है उनके, उनका एक ग्रुप है। अब यहाँ देखिए सारे जो जीव हैं वो किसके हैं? मैमेलिया क्लास के हैं। और मैमेलिया क्लास की करेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके अंदर मैमेलरी ग्लैंड्स होती हैं। ये एक पार्टिकुलर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्लास मैमेलिया की, जो सबसे अलग, इसको दूसरी क्लासों से अलग करती है। लेकिन यहाँ आप देखो कि हर एक जीव है, चाहे वो एपीज हों चाहे कोई दूसरे हों, एक दूसरे से बड़े ही डिफरेंट हैं, उतने सिमिलर नहीं हैं जितने सिमिलर हमने क्या देखे थे पीछे? ऑर्डर कार्निवोरा में देखे थे और किसमें? क्लास उसमें देखे थे, टाइगर और कैट की कंपैरिजन में देखे थे। तो इतना इसमें क्या है? सिमिलरिटी नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या है? काफ़ी हद तक डिफर करते हैं। नेक्स्ट हायर कैटेगरी आती है, फाइलम और डिवीज़न।
फाइलम क्या होता है कि और बड़ी कैटेगरी आ जाएगी कि दिस इज़ द हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आफ्टर द क्लास, कि क्लास से जो बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो क्या है, फाइलम है. एंड इन केस ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन द टर्म फाइलम इज यूज्ड, व्हाइल फॉर द प्लांट्स द टर्म डिवीजन इज यूज्ड. यहाँ पे देखो एक बड़ा ही ध्यान देने वाली बात ये कि बाकी सारी जो करेक्टरिस्टिक्स थी जैसे प्लांट्स में यूज़ करते हैं वैसे ही एनिमल में यूज़ करते हैं, स्पीसीज, जेनरा, ऑर्डर जो भी है, स्पीसीज वगैरह कोई भी नाम उनका क्या नहीं है, डिफरेंट नहीं है. लेकिन यहाँ डिफरेंट है, अगर एनिमल है तो जो है क्लासेस के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फाइलम कहेंगे, और अगर प्लांट है तो डिवीज़न कहेंगे. यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको पीछे की क्लास 9th क्लास की याद दिलाते हैं जहाँ पे आपने 10 फाइलम पढ़े थे एनिमल के. इसका प्लूरल फाइला होता है, बहुवचन में फाइलम को फाइला कहते हैं. जहाँ आपने 10 फाइलम पढ़े जैसे कि पोरीफेरा है, अर्थ्रोपोडा है, निमेटोडा है, सिलेंड्रेटा है, इस तरह के नाम देखे होंगे 9th क्लास में आपने, तो ये 10 फाइलम थे किसके, एनिमल ग्रुप के. और इसी प्रकार प्लांट्स के अंदर हमने डिवीज़न पढ़ी थी, वो डिवीज़न क्या थी, नॉर्मली 4 डिवीज़न थी, जैसे दो उनमें से यहाँ नाम दिया गया है, एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा और थी जो यहाँ हमने नहीं लिखी. तो ये 4 आपने प्लांट की डिवीज़न पढ़ी जिनके लास्ट में फाइटा आता है जो प्लांट की डिवीज़न है. और प्लांट के केस में हम फाइलम को क्या बोलते हैं, डिवीज़न, डिवीज़न, और एनिमल के केस में क्या बोलेंगे, फाइलम बोलेंगे. नेक्स्ट, फाइलम से जो बड़ी कैटेगरी है वो क्या आती है, आपकी किंगडम आती है. फाइलम से बड़ी जो कैटेगरी है वो क्या आती है, किंगडम. और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर डिवाइडेड इनटू द 5 किंगडम. और सभी जीवों को हमने क्या, देखो क्लासेस और फैमिली इतनी ज़्यादा है कि काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है. और 11th क्लास के लेवल तक हम उनको काउंट नहीं करेंगे, कितना है पार्टिकुलरली ये इंक्लूड नहीं करेंगे. लेकिन फाइलम क्या है, बहुत ही आसान है रखना, केवल 5 ही हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, सॉरी किंगडम 5 है. अब देखिए थोड़ा सा एनिमल किंगडम के अंदर हम कह रहे थे कि अलग अलग जो है फाइला है वो किस प्रकार डिफरेंट है. इससे पहले हमने अलग अलग क्लासेस देखी थी, ऑर्डर देखे थे कि कितनी सिमिलरिटीज़ थी. लेकिन यहाँ एक फाइलम बड़ी कैटेगरी, किंगडम है ये इकट्ठा है, एक ही है एनिमेलिया, लेकिन फाइलम इसमें अलग अलग आ जाते हैं. पोरीफेरा के जीव देखिए, ये रेड जो आपको स्पंज दिख रहा है ये पोरीफेरा का है. फिर आगे निडेरिया फाइलम का है ये. उसके बाद प्लेटी हेलमेंथिस के फ्लैट वॉर्म है, ये राउंड वॉर्म्स हैं, निमेटोडा फाइलम से हैं, ठीक है. आगे रोटीफर्स हैं, मोलुस्का के ये सेल वाले जीव हैं. देखिए एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, यानी कि जितनी हमने जैसे पीछे डिस्कस किया था, हमें ये ध्यान रखना है हायर लेवल पे आने के बाद उनके अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. एक दूसरे से ये जीव क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अलग हो जाएंगे, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो. नेक्स्ट, कि हम जब इनको क्लासिफाई करते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें क्लासिफाई करने में और पढ़ने में हेल्पफुल रहती है, सहायता करती हैं. तो जो चीज़ें सहायता करती हैं उनको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन में सहायता करती है, क्या बोलते हैं उनको, टैक्सोनॉमिकल एड्स. एड्स होती है सहायक सामग्री जो हमें कुछ चीज़ों में सहायता करें. तो टैक्सोनॉमिकल एड्स आर द सोर्स फ्रॉम विच वी acquire the necessary information of the plants and animals in the classification. कि जिसे क्लासिफिकेशन के लिए हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हैं वो इनसे कलेक्ट करते हैं. तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन सी हैं, पहले इनके नाम पढ़ेंगे. नंबर 1 है हर्बेरियम, नंबर 2 है बोटेनिकल गार्डन, नंबर 3 है म्यूजियम, नंबर 4 है जूलॉजिकल पार्क, और नंबर 5 है की. आइए इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. नंबर 1 है हर्बेरियम, देखिए क्या होता है. थोड़ा सा यहाँ आपको पीछे कुछ इमेजेस दिखाई गई है एक हर्बेरियम सीट की, बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि हर्बेरियम क्या होता है, सिर्फ इसी समझ में आ जाएगा. हर्बेरियम इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द पेपर सीट. कि आपके पास देखिए कोई भी प्लांट है आपकी सराउंडिंग में जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, लेकिन आप भी उसके बारे में जानते हो और दूसरों को बताना चाहते हो, लेकिन वो प्लांट क्या है, सर्दियों में उगता है या गर्मियों में उगता है या बरसात के मौसम में उगता है, लेकिन साल भर अवेलेबल नहीं रहता, तो हम उस पौधे को दूसरों को कैसे दिखाएंगे. तो इसका एक तरीका है हर्बेरियम,
जिसमें हम पौधों को कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब मर्जी आए, जिसको मर्जी आए, हम दिखा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हर्बेरियम की बड़ी ही अच्छी, यूँ मान लीजिए कि बात है। तो इसमें हम देखो क्या करते हैं कि जो प्लांट आपको किसी को दिखाना है, उसको उखाड़ लीजिए जड़ों समेत। अगर छोटा है तो एक क्या कोशिश कीजिए कि छोटे प्लांट को उखाड़िए, या फिर अगर बड़ा पौधा है बहुत ज़्यादा, उसकी आप टहनी काट सकते हो। फ्लावरिंग जो ट्रिंग है, जहाँ पे फ्लावर आया हुआ है, वो ले सकते हो, और उसको किसी कागज़ में रख के, और लकड़ी के जो फट्टे होते हैं उनकी बीच में रख के उनको दबा दीजिए, ताकि वो बिल्कुल समतल हो जाए, बिल्कुल फ्लैट हो जाए, कागज़ के ऊपर रखने लायक हो जाए। और काफ़ी दिनों तक, जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए, उसको रख दीजिए। सूखने के बाद उसको हर्बेरियम सीट, जो स्पेशल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप एक सिंपल कागज़ भी ले सकते हो, उसके ऊपर प्लांट्स को लगा करके नीचे उनकी क्लासिफिकेशन लिख दीजिए। देखिए, जैसे छोटा सा एक बॉक्स दिखा रखा है नीचे, वहाँ पे आप लिख सकते हो कौन सी डिवीज़न है प्लांट की, कौन सी क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, कहाँ से कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर लिख सकते हो। कौन से सीजन के अंदर प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है, ये सारी चीज़ें हम हर्बेरियम पे लिख देते हैं। और इसके बाद जो ये हर्बेरियम है, वो कई साल तक हमारे यूज़ के लायक रहेगा। नेक्स्ट आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय, या यूँ कीजिए कि यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, वो हम इकट्ठी करके रखते हैं, जब किसी को ज़रूरत पड़ी हम दिखा देते हैं। तो ये पार्टिकुलरली जो बड़े स्कूल या कॉलेजेस वगैरह कई जगह होते हैं, वहाँ पे भी हम बना के रखते हैं इनको, बच्चों को दिखाने के लिए, स्टडी पर्पज़ से। तो देखिए, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर द सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, के जहाँ पे हम शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, वहाँ पे हम बायोलॉजिकल म्यूज़ियम जो है वो क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, ताकि बच्चों को जो चीज़ें दिखाई जा सकें। और म्यूज़ियम के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल को कलेक्ट करके रखते हैं। एक इसके लिए भी हम थोड़ा सा, जो पीछे बैकग्राउंड में आपको इमेज दी गई है, उसके ऊपर भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। पीछे आप एक डायनासोर कंकाल देख रहे हो, जो स्केलेटन है डायनासोर का, वो देख रहे हो। तो हम आज पढ़ते हैं कि डायनासोर ऐसे होते थे, ऐसे होते थे, लेकिन कहते हैं कि डायनासोर बहुत साल पहले हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए, वो मिले ही, यानी कि जब डायनासोर थे तब ह्यूमन नहीं था, जब ह्यूमन है तो डायनासोर नहीं है। लेकिन हमने डायनासोर को स्टडी कैसे की, एक सवाल ये उठता है, कैसे पता लगाया हमने कि उनकी हाइट कितनी होती थी, वो कैसे होते थे, मुंह उनका कैसा होता था। तो ये चीज़ें होती कि उनके फॉसिल्स की ज़मीन जब हम खोदते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, तो भूमि के नीचे से उनके जो है कंकाल या जो स्केलेटन है वो मिलते हैं, और उसको जोड़ के और हम उन चीज़ों से अनुमान लगाते हैं कि वो जीव कैसे हुआ करते थे। और इसी का एग्जांपल आपको पीछे इस इमेज में दिया गया है, डायनासोर का जो स्केलेटन सिस्टम है, लगभग जो ज़मीन के खोदने से जो हमें मिला था वो अरेंज किया हुआ है। और ये यूज़फुलनेस होती है म्यूज़ियम की, जहाँ पे हम बहुत सालों तक ये चीज़ें क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और आने वाली जनरेशन्स को दिखाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। अगला आता है जूलॉजिकल पार्क। पीछे एक चित्र में आप देख सकते हैं, टाइगर है, वो घूम रहा है आराम से पेड़ के नीचे से। तो ये जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जहाँ पे हम एनिमल को क्या होता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि ये वाला एनिमल है वो एक्सटिंक्ट होने लग रहा है, टाइगर जो है वो कम हो रहे हैं। तो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जीवों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, भी कोई उनको मार नहीं सकता, हंटिंग नहीं कर सकता, उनका शिकार नहीं कर सकता, और अगर उनको खाना नहीं मिलता हम एक्सटर्नली उनको खाना देंगे, उनके जो रिप्रोडक्शन है उनके उस पर ध्यान देंगे, उनके बच्चों पर ध्यान देंगे, ताकि उस स्पीसीज़ को हम बचा सकें। और ये एक मकसद होता है जूलॉजिकल पार्क का। और इसके साथ साथ हम जूलॉजिकल पार्क का यूज़ भी कर सकते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए भी, देखने के लिए भी कौन सा जीव है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे रहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो जूलॉजिकल पार्क भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल ऐड है। अब जो अगली टैक्सोनॉमिकल जो एड्स है, और लास्ट वन है, की क्या होती है कि इसके अंदर हम लोग देखिए कि टेक्नोनॉमिकल ऐड के अंदर की जैसे ना चाबी, तो ये एक तरह से चाबी है, जब आपको क्लासिफिकेशन करने में बड़ी कामयाब तरीके से आपकी काम आती है ये, और बड़ी यूज़फुल है। वो कैसे है, देखिए,
इसके लिए एक सेकंड लाइन पढ़िए पहले, इट रिप्रेजेंट द चॉइस बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शंस। ये दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में चॉइस पैदा करती है, द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर, जिसमें से हम एक क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरे को क्या करते हैं रिजेक्ट कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास, मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो प्लांट है या एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म है, मैंने क्या कहा द ऑर्गेनिज्म इज ग्रीन एंड एबल टू फोटोसिंथेसाइज, और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, एक स्टेटमेंट दी इसके बारे में, तो आप क्या कहोगे इट विल प्लांट, ये पौधा होगा। और मैंने कहा इट विल नॉट कैन नॉट डू द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ये एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है, कार्निवोर्स हैं जो भी हैं, इस तरह की चीज़ें कहीं आपको एक स्टेटमेंट दी जो एनिमल को इंडिकेट करती है, तो आप लोग क्या करोगे रिजेक्ट कर दोगे कि ये प्लांट नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है एनिमल हो सकता है। तो इस प्रकार होती है कि जिसमें हमें एक एक चॉइसेस मिलती है, जैसे हमने कहा पीछे डिस्कस किया था क्लास मेमेलिया का, कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो क्या है क्लास मेमेलिया में है, और जो नहीं पिलाते वो नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आई हमारे पास कि विच हैव मेमरी ग्लैंड आर द क्लास इन मेमेलिया, इफ नॉट प्रेजेंट देन वी विल रिजेक्ट इट, कि वो इस क्लास का नहीं हो सकता है। तो ये थी हमारा जो 11th क्लास की बायो का जो लेसन वन, और इस लेसन वन के अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी पहचान है, और कैसे उनको नेम देते हैं और कैसे क्लासिफाई करते हैं। और अब आपके लिए होम असाइनमेंट ये है कि आप लोग इसके जो NCERT क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कीजिए, देखिए उनमें क्या पूछा गया है और उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको आंसर नहीं मिलते तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7015629804, इसके ऊपर आप अपने डाउट्स जो हैं वो ले सकते हैं, जो भी आपकी चीज़ पूछनी हो इस लेसन वन के रिगार्डिंग आप लोग पता कर सकते हैं। थैंक्स।